तो जी हम निकल चुके हैं कटरा के लिए और यहाँ के पहाड़ आप देख रहे हो कैसे हैं, कितना सुंदर है ना, क्या सही लग रहा है यार, वाव। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हिमाचल रोवर्स। और अभी सुबह के हो रहे हैं 7, तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और हम आए हैं मेरे पापा के फ्रेंड के घर, और मतलब दे आर वेरी क्लोज टू अस ऑल्सो, बचपन में साथ में रहे हैं सबको, सब हर कोई, जैसे हम लोग मतलब मेरे पापा BSF में हैं तो वो सब हम लोगों के साथ कोलकाता में सब साथ में रहे, बचपन में सब साथ रहे हैं और अभी तक हम साथ हैं, मेरी शादी भी हो गई है तब भी, तो मतलब इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। और अगर मैं आपको नज़ारा दिखाऊँ यहाँ सुबह सुबह का, तो बहुत ही ब्यूटीफुल, एक पर्पल कलर का स्काई हो रखा है पूरा और बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलो मैं आपको घर दिखाती हूँ, जो इनकी क्यारियाँ हैं, ये अंदर सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, औरतें सब सुबह सुबह उठ चुकी हैं, पानी गर्म कर रहे हैं कोई नहाने के लिए, तो क्या बोलते क्या लेके आए मम्मी आप? आपके लिए लेके आए हम कट्टे, ढूंढ जे तू कट्टे के पैसे नहीं निकले पकड़, और हमारे को इसके पैसे दे देना 10 रुपए। हाँ, पैसे क्या दे ये इसके पैसे क्या दे ये है ढूंढ जे, इसको बोलते हैं किम्ब। अच्छा ये है गलगल लेमन। अच्छा इतने इतनी वैरायटी लेके आए हो, ये है गलगल, ये गलगल हिमाचल की। मैं आपको फिर 1 रुपया दे सकती हूँ, ये लो। अभी 1 रुपया बहुत है लो जी, थैंक यू सो मच। डेंट लगा अमरूद लगे हैं, इन्होंने अमरूद को ढक के रखा है बिकॉज पंछी आते हैं वो खाते हैं, इसके लिए अच्छा आइडिया। ये हैं जी हमारी आंटी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप? क्या काम लाया? देख लो ये गांव में रहने का फायदा, चूल्हा लाइट चली गई, अब इसमें पानी गर्म करेंगे। क्या बात है, ये फूलों की खेती है सारी। मौसम बहुत ही प्यारा था, जैसे ही हम जम्मू एंटर हुए हैं वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी और अभी तक मौसम वैसे ही है, बारिश हो और सनराइज इतना प्यारा हो रहा है ना, वाह इट्स ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग अंकल जी, उठ के छाडी कर है कभी नहीं लिया रे, वो गई पाड़ी से मतलब ये नहीं। तो जी रेडी हो गए हैं वैष्णो देवी के लिए, टाइम अभी बज रहे हैं 10:41 और आपको बुलाते कौन कौन जा रहे हैं, फिर तैयारी है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो चलो गाड़ी गाड़ी बाहर निकाल दे, एक कुत्ता बेचारा कदे सो ते दो अल्लाह नहीं बर लगता था बुरा मुक्कू राखी बांध दे, बाय बाय। तो जी फाइनली हम निकल चुके हैं वैष्णो देवी के लिए, तो हमारे साथ एक नए मेंबर आ चुके हैं मिस्टर हर्ष गुलेरिया, तो चलो फिर निकलते हैं। अभी फिलहाल पता नहीं कौन सी लोकेशन में हम, नागमणि कोई गांव है जम्मू से बाहर बाहर ही है। जी ऐसा है सफर हमारा चालू। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के सबकी। ये मेरे को लगता है ना बरसात में पूरा पानी आता होगा इधर, कितना खतरनाक है ये रास्ता, बंद होते हैं ना पूरा खतरनाक। तो जी ये है रास्ते, क्या ही मौसम है यार, क्या ही बताएं, वाओ। अभी फिलहाल अभी हम कोई माता के मंदिर जा रहे हैं,
गरोटा माता मंदिर, कितना प्यारा लग रहा है व्यू यार। तो जी हम पहुंच गए हैं कोल खंडोली, खंडोली माता जी, और ये बीच मिलिट्री एरिया के मंदिर है। पता नहीं आगे क्या स्टोरी है, हर्ष बताएगा हमें। हर्ष पता है, पापा को पता है क्या? चलो चलते हैं फिर अंदर करते हैं दर्शन, कोल खंडोली माता मंदिर जम्मू। जय हो। मेरे पापा से पूछना क्या स्टोरी। मैं बताता हूँ यहाँ की स्टोरी क्या है। यहाँ की स्टोरी ये है कि जब पांडव चढ़ना चालू किया था ना, तो यहाँ पे उन्होंने हॉल्ट स्टे लिया था। तो उन्होंने यहाँ पे स्टे लेके यहाँ पे मंदिर बनाया था। ये रहा पुराना मंदिर, देखो कितना पुराना मंदिर है, ऐसे बैजनाथ के द्वारा है ना। ये स्टोरी है। तो कहते हैं यहाँ पे जब भी वैष्णो देवी जाओ तो यहाँ पे जरूर आओ चढ़ने से पहले। तो सबको नहीं पता होता ना, तो जी ये स्टोरी है यहाँ की। जय माता दी। मंदिर जय हो। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो जी ये है वो मंदिर जो पांडवों ने बनाया है। और मैं बता दूं इसका जो पत्थर है लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पुराना है। अभी फ़िलहाल इस पर कुछ पॉलिशिंग की हुई है, बट ये है सो नाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ऐसी जगह में आके ना मैं सही बताऊँ बहुत अच्छी शांति, बहुत अच्छा लगता है, सो आना चाहिए। फिर मम्मी कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, शांति मिली। फिर क्या पता चला आपको इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में पता चला कि वे वैष्णो माता पहले यहाँ रहती थी। हाँ, यहाँ प्रकट हुई थी। हाँ, फिर गई ऊपर वो अपने वैष्णो देवी भाई पति है वो पहाड़ों में। तो सर यहाँ झूला जोड़ती थी, तो हमने वो पेड़ भी देखा। हाँ, जो त्री मूर्ति कार जो ऊपर जाके एक पेड़ सिंगल बना था, नीचे उसके तीन आकार। अच्छा, वो भी देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो जी ये हमारा पहला दर्शन हो गया है कंप्लीट कोट खंडोली माता जी के। तो अभी हम निकलेंगे सीधा कटरा के लिए और फिर हम करेंगे अपनी चढ़ाई चालू। चलो तो जी हम निकल चुके हैं कटरा के लिए और यहाँ के पहाड़ आप देख रहे हो कैसे हैं, कितना सुंदर है ना, क्या सही लग रहा है यार, वाव। आ जाएंगे जय माता दी। बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे। तो जी ये रहा सामने वैष्णो देवी जी का भवन का पहाड़ पहला दर्शन, और ये आपको देख रहे होंगे रास्ते, वहाँ पे हमें जाना है। ऊपर हल्की हल्की बर्फ दिख रही है क्या दीक्षु? हाँ, उसकी टॉप पे पड़ टॉप में पड़ी हुई है हल्की हल्की। फाइनली पहुँच गए हम कटरा और अभी फिलहाल जा रहे हैं पर्ची कटाने। हाँ नहीं जा। तो जी ये है यहाँ पे भीड़, यह हमारा कार्ड और हमें जाना है ऊपर, तो चलो निकलते हैं। तो जी सफर हो गया है शुरू। हो गया है शुरू। तो दीक्षा एक ड्यूटी लाइन है।
कितनी बड़ी है। लास्ट में खड़े हो अभी सबसे बहुत आगे यहाँ से घूम के जाके उधर उधर फिर वहाँ से उत्तरी 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 देख के ही चक्कर आ रहे हैं। कोशिश करूँगा चढ़ जाऊँगा। यह है हमारा फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हमें करनी है अपनी जो RFID मिली है कंफर्म करनी है और निकलना है। तो जी लाइन एकदम फ्री हो गई है, पहले इतना टाइट टाइट था, अब एकदम फ्रीली चल रहे हैं। हमारी माता जी बैठी हूँ वहाँ। तो जी सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है हमारी और अभी फिलहाल हमने अपनी चढ़ाई कर दी है शुरू बाद। तो दीक्षा को पहले चक्कर आ रहे हैं कि मेरे को लेनी है लाठियाँ। चक्कर नहीं आ रहे, चक्कर तो मेरे को आ रहे हैं, मैं सही बताऊँ तो। जोर से बोलो जय माता जी। तो जी फाइनली 526 सीढ़ियाँ चढ़ दी है। तो जी इतने सुंदर नजारे के साथ हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी। जय माता दी। यश गावे सिमर जो